फाइवर पे काम करने वाले फ्रीलांसर्स के लिए काफी बुरी खबर है। पियोनीर ने फाइवर से होने वाले हर विड्रॉल के ऊपर $3 की फी चार्ज करना स्टार्ट कर दी है। ये नोटिफिकेशन जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये मुझे काफी अरसा पहले पियोनीर की तरफ से रिसीव हुआ था और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पियोनीर कुछ अरसे बाद फाइवर से होने वाले हर विड्रॉल के ऊपर फी चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब ये फी चार्ज करना पियोनीर ने स्टार्ट कर दिया है। अब आप अपने फाइवर के अकाउंट से चाहे $20 की अमाउंट विड्रॉ करो या $200 की अमाउंट विड्रॉ करो, आपको पियोनीर को $3 की फी पे करना पड़ती है। और फिर जब आप अपने पियोनीर अकाउंट से अपने लोकल बैंक अकाउंट के अंदर ये अमाउंट विड्रॉ करते हो तो उसके ऊपर भी आपको 2% फी जो है वो पियोनीर को पे करना पड़ती है। तो यहाँ पर मेरा आप सब लोगों को ये सजेशन होगा कि जब तक आपके फाइवर के अकाउंट के अंदर अच्छी खासी अमाउंट जमा ना हो जाए तब तक आप अपने फाइवर के अकाउंट से अपने पियोनीर अकाउंट के अंदर पेमेंट विड्रॉ ना करो। और ये जो $3 की फी है जो आपको पियोनीर को पे करना पड़ती है, ये आपको हर विड्रॉल के ऊपर पे करना पड़ेगी। फिर आप महीने के अंदर चाहे 10 विड्रॉल करो अपने फाइवर के अकाउंट से या आप महीने के अंदर 1 विड्रॉल करो, आपको हर दफा विड्रॉल के ऊपर $3 की फी पे करना पड़ेगी। तो ये पियोनीर का एक काफी बुरा डिसीजन है, खासकर उन फ्रीलांसर्स के लिए जो कि अभी अभी फाइवर के ऊपर जिन्होंने वर्क स्टार्ट किया है, तो उनके लिए फी का एक नया बर्डन होगा। ये उनके लिए काफी डिफिकल्ट होगा इस चीज को मैनेज करना। तो आपका पियोनीर के इस डिसीजन के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं।